तो अभी हम ये वीडियो लेके आ गए हैं पार्ट टू दिघा। और यहाँ पे आपको पार्ट टू में आपको दिघा की ओल्ड मार्केट दिखलाएंगे, यहाँ की फ़िश मार्केट दिखलाएंगे, यहाँ की इवनिंग की सैर कराएंगे, बहुत कुछ आपको दिखलाएंगे इस वीडियो में। तो कीप वॉचिंग एंड तक वीडियो देखो, स्किप मत करना, बहुत कुछ आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो चलो गाइस देखते रहो वीडियो मेरा और इन्जॉय करो। दिघा की ओल्ड दिघा की मार्केट में देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, आपको वेज से लेके नॉन वेज और सारी मार्केट आप कर सकते हो। तो गाइस अभी हम दिघा की ओल्ड मार्केट में हैं और यहाँ से हम लोग जो पुराने लोग हैं यहाँ से ही डिनर और लंच वो रेडी करते हैं। तो गाइस बहुत कुछ अभी दिखाएंगे आपको यहाँ पे, तो मार्केट आप गाइस अभी आप लेके आ गए हैं फिश मार्केट। आपको यहाँ पे एवरी टाइप फिश मिल जाएगी, पम्पलेट है, इलिस है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, केकड़ा है जो यहाँ के बंगाली पसंद करते हैं केकड़ा खाना, और बहुत सारी फिशेज हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। शंकर मछली नहीं है, शंकर मछली शंकर गाइस अभी आपको हम यहाँ पे लेके आ गए हैं बीच के पास, और यहाँ बीच के पास तो ब्यूटीफुल पार्क बनाए गए हैं और पार्क में आपसे अच्छी लाइटिंग दी गई है। यहाँ बैठ के लोग अपने शाम को एंजॉय करते हैं और यहाँ पे खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो आज इवनिंग में हम लोग दिघा के सी बीच के पास बैठे हुए हैं और मेरे साथ हारिस है। तो गाइस अभी आपको हम दिघा की मार्केट की सैर कराएंगे। तो गाइस आप देखो दिघा की मार्केट, आप यहाँ पीछे की तरफ देख पा रहे हो सी बीच है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और मार्केट है। तो गाइस मार्केट तो आपको ले चलेंगे, पीछे की तरफ देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है और शाम के टाइम में काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, इंजॉय करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, फिश वगैरह खाते हैं और बैठे रहते हैं। तो गाइस वीडियो आप देखो एंड तक, बहुत मज़ा आएगा।
फ्राई करके फिश मिलेगी इवनिंग टाइम में, और यहाँ पे आपको पॉपुलेट और बहुत सारी फिश है जो आपको फ्राई करके दी जाएगी और खाने।